तो वो बाबर आजम को सामने रख के बात होनी पड़ेगी। इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो चपत रसीद हो रही है। उसके बाद बॉलिंग में जैसे ही क्रंच मोमेंट्स आया, इंग्लैंड फिर पाकिस्तान से आगे महारत ले गए और फील्डिंग फिर से बहुत ही नकारा थी पाकिस्तान। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को छठे टी20 मैच में शिकस्त देकर सीरीज 3-3 से लेवल कर दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए, जिसमें बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 87 रन बनाए। हदफ के तौकब में इंग्लिश बल्लेबाज फिल साल्ट ने जारहाना मजाज में बैटिंग करते हुए सिर्फ 3 ओवर में 50 रन स्कोर कर दिए। फिल साल्ट ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 14वें ओवर में ही पाकिस्तान से मैच छीन लिया। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। उन्होंने बाबर आजम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को यह सोचना होगा कि वो इंग्लैंड की तरह जारहाने बल्लेबाजी का मुजाहरा करें। टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम को फील्डिंग, बॉलिंग और क्रिकेट के तीनों शोबों में बेहतरी करनी पड़ेगी।